ये वाला हाँ, है। ये वाला भी अच्छा लगा सर। चलो फिर ये वाला करते हैं, सिंपल है, बट इसमें आप क्या क्या चीजें सीखोगे। एक तो ये सीखोगे ड्रोन हैंडल का हैंडल ये, हैंडल लगाना, वो ठीक है, ड्रोन हैंडल लग हैंडल, जाएंगे इसके। उसके बाद और दीवार पे ये वो वाला चिमनी डिजाइन, ऊपर वाले ये खाली आ गया, एक चिमनी चिमनी हम चिमनी लगाएंगे, और हम इसी के नीचे ना एक वो लाइन लगा लाइट लगाएंगे, और वो कोब लाइट लगाएंगे, ठीक है, इसी फॉल के सीलिंग एंड नीचे। हाँ, स्पॉटलाइट कर लेंगे इसमें। तो इस पे ही कर लेंगे, कोई बात नहीं, चलो इसे हम सेव करते हैं, इसको हम एक ऑप्शन में रखते हैं। अब हम ये वाला किचन यहाँ पे रेडी करते हैं। डायमेंशंस मेरे पास नहीं है, तो मैं अपने तरीके से डायमेंशन लेने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक नीचे वाला बेस लूंगा फ्लोर के लिए, कितने बाय कितने का लूं, कितने मेरे को लग रहा है ये, मान लो 10 फिट का लग रहा है, 15 बाय 10 लग रहा है सर। 15 फिट ले लेता हूँ, 15, और ये मैं लेंथ ले लेता हूँ 10 फिट, ये मेरा 15 हो गया, और ये इस दीवार पे ये बनेगा। अब इसको मैं पुश पुल करके 4 इंच के नीचे एक थिकनेस दे देता हूँ, इसको ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक करके ग्रुप बना देता हूँ, और ग्रुप बनाने के बाद अब मेरे को यहाँ पे क्या बनाना है, वॉल। और वॉल के लिए मैं क्या करूं, कितने तरीके हैं मेरे पास बनाने के, रेक्टेंगल वॉल तो रेक्टेंगल या लाइन। लाइन में मैं यहाँ से 9 इंच की वॉल, एक मैं यहाँ से 9 इंच का रेफरेंस लिया, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ क्रिएट किया, और एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ क्रिएट किया और इरेज कर दिया, वो तो बात। ये रेक्टेंगल लिया, इरेज कर दिया इस वाले पार्ट को, और इसको पुश कर दिया, कोई मान लो मैंने 10 फिट पे ले लेता हूँ, 10 फीट 10 फिट की मैंने हाइट ले ली, इसको ट्रिपल क्लिक करके आपने एक ग्रुप के अंदर डाल दिया, दो चीजें बन गई। अब यहाँ पे ये बनाने के लिए मैं क्या करूं, इसको मैंने आगे की तरफ, मान लो 30 इंचीज है, 30 इंचीज का ये लिया, और ये पूरी दीवार पे ही बना हुआ है, ये पूरी दीवार पे है ना, एंड बहुत टू एंड शोर। है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसी वॉल के अंदर एक वॉल और ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे 9 इंचेस, और एक रेक्टेंगल लेके और इसको मैं पुश कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये इसी वॉल में ऐड हो जाएगा, अच्छा, हमने मतलब अंदर ले लिया बॉल ना, अंदर ले लिया ना, 15 एक इसी ग्रुप के अंदर ऐड कर फिट दिया, हाँ। ठीक है। तो अब मैं ये अलग से क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली वॉल यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लेके ये रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और इसको हाइट दे दी, मान लो 30 इंचेस की हाइट, कितनी है, 4 इंच का ये लगा लो, 30 इंचेस, और स्लैब अलग से आ जाएगी, तो मैं 34 इंचेस ले लेता हूँ, 4 इंचेस और इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको मेजर करता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा 2 फीट 10 इंचेस हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वॉल को अभी के लिए मैं क्या करूँ, सिलेक्ट करता हूँ और क्या कर दू हाइट, क्योंकि अब मेरे को इस पे काम करना है बेसिकली, और इसको भी मैं राइट क्लिक करके हाइड कर दूंगा, मेरे को अब इस पे काम करना है, बाद में उसे ओपन कर दूंगा। चलो अब यहाँ पे जो ड्रॉर के साइज है, मुझे नहीं पता कितने साइज के हैं, चलो हम अपने तरीके से ड्रॉर लेंगे, वही जो हमने अलमारी में किया था वही काम हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, जो नीचे का पार्ट है ये लेता हूँ 4 इंच का, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इसको सिलेक्ट करके मैं नीचे के पार्ट को यहाँ पे क्या करता हूँ, मूव ऊपर कितना, 4 इंच। 4 इंच। दूसरे भी तरीके आपको पता है, अंदर की तरफ मैं कर देता हूँ 2 इंच, नीचे का तो ये बन गया, यहाँ पे मेरे अब ड्रॉर्स बनेंगे, तो मैं क्या करूं, इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ कंट्रोल प्रेस करके, मान लो ये वाला जो मेरा है ये है कोई अराउंड कितना होगा, 1 फिट 6 इंचेस, 1.5 फीट हाँ वन वही। फिट सिक्स इंचेस का मैं ले लेता हूँ, उसके बाद का मेरे को लग रहा है कंट्रोल प्रेस करके 1 फिट, ठीक है, 1 फिट के बाद मैं कंट्रोल प्रेस करके होगा कोई 2 फिट के अराउंड, 2 फिट है। 2 फिट के बाद 1 फिट 6 इंचेस, डेढ़ फिट ठीक है, 1 फिट 6 इंचेस के बाद कितना होगा कोई 8 इंचेस या 6 इंचेस, 8 इंचेस 8 इंचेस के अराउंड, हाँ, ठीक है, और ज्यादा नहीं 8 इंच चलता है, नहीं कम हो गया, चलो ज्यादा इसको चलता भी है। 10 इंच कर लेते हैं, मैं 10 या 12, इसको 1 फिट कर लेते हैं। 1 फिट कर लेता हूँ, काफी स्पेस है मेरे पास, और चलो हम अपने तरीके से और ड्रॉर बना देंगे, ठीक है। तो मैं यहां से एक 2 फिट पे एक और ले लेता हूँ, और यहां से 1 फिट पे एक और ले लेता हूँ, ये दो बन जाएंगे, इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। यहां पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मूव करता हूँ, सेंटर में प्लेस कर देता हूँ, 1 मिनट, इसको सिलेक्ट किया, मूव किया सेंटर में, यहाँ पे क्लियर है, ये पूरा एक ड्रॉर बनेगा, यहाँ पे 3 बनेंगे, एक तो बनेगा कहाँ पे,
सेंटर में यहाँ पे और एक इनके सेंटर में, तो मैंने मूव किया ये इसका सेंटर आ गया। इसकी अगर बात करूं तो ये सेंटर में आएगा, ठीक है। इसकी अगर बात करूं तो एक सेंटर में आएगा, बट आपका ये इस तरीके से बनेगा, कोई बात नहीं। इसको भी मैं मूव कर देता हूं अभी के लिए सेंटर में। ये मेरे को फुल चाहिए, इसको मैं मान लो दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं या फिर चार पार्ट में डिवाइड कर देता हूं या दो में ही ठीक है, और यहां पे मैं इसे तीन पार्ट में डिवाइड करता हूं। अब तीन पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करूं, मान लो मेरे को इक्वल थ्री पार्ट चाहिए। सारी चीजें पूछते जाओ भी, इसके लिए दूसरा नहीं, कॉपी भी कर सकते हो। एक तो तरीका ये है कि मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके मूव करूं यहां से यहां पे, हाँ, और इसको कर दूं थ्री डिवाइडेड बाई, तो तीन डिवाइड हो जाएंगे। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिवाइड, क्लिक ऑन डिवाइड। अब कितने में डिवाइड करना है, सेगमेंट्स में, हाँ। सेगमेंट्स कितने रखने हैं, ऊपर देखो मेजरमेंट में सेगमेंट आ रहे हैं, थ्री एंटर, तो आपके तीन में डिवाइड हो गया, एक दो और तीन। अब आप इसको क्लिक करके मूव कर सकते हो, कंट्रोल प्रेस करके एक पार्ट यहाँ पे और इसको यहाँ से पार्ट करके एक पार्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे काम कर दिया इसके ऊपर। अब मैं इसको ट्रिपल क्लिक करके, राइट क्लिक करके मैं इसको क्या बना दूं, ग्रुप। अब इसके ऊपर मेरे को क्या बनाने हैं, ड्रॉर्स बनाने हैं। ड्रॉर्स बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कि इसके ऊपर जब मैंने ग्रुप बना दिया ये, अब मैं इसके ऊपर क्या ले सकता हूं, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को क्या कर सकता हूं, पुश, मान लो वन इंच पुश कर दिया, क्लियर है। और इसको मैं क्या करूं फिर, अब यहां से 0.2 इंचेस ऑफसेट लिया और यहां से इस पार्ट को पुश कर दिया पीछे की तरफ यहां पे, ताकि ये वाला पार्ट आ गया ग्रूव्स का, समझ रहे हो। अब यहां पे मेरे को बिल्कुल एंड पे चाहिए तो आप यहां से कनेक्ट कर सकते हो इसे, इवन आपको ऊपर चाहिए तो आप ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा ग्रूव्स होता है, ठीक है। बट ये वाला पार्ट कर सकते हो कि आपको इससे कनेक्ट करना है, और इसको अब आप क्या कर सकते हो, ट्रिपल क्लिक, राइट क्लिक, मेक ग्रुप और मेक कंपोनेंट एंड कंपोनेंट, या तो यही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करो या फिर इसको सिलेक्ट करो और क्या करो, कॉपी, कहाँ से पिक करके, यहां से, कहाँ प्लेस करो, यहाँ पे, फिर से यहां से पिक करके कहाँ पे, यहाँ पे, एक बन गया। एक तरीका हो गया आपका बनाने का ये, ठीक है। दूसरा तरीका बनाने का, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं इसको सिलेक्ट करूं, डबल क्लिक करूं, ध्यान से सुनना ये तरीका, ये तरीका आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो किसी भी चीज के लिए। मैं क्या करूंगा, इस फेस पे डबल क्लिक करूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी कर दूंगा, ग्रुप से आ जाऊंगा बाहर, एडिट पे जाऊंगा और कर दूंगा पेस्ट इन प्लेस, ये सरफेस यहां पे पेस्ट हो जाएगा एज इट इज, और इसको पुश कर दूंगा मैं 1 इंच। अब ये अब अलग से, अगर मैं इसको ट्रिपल क्लिक करूं ना, ये अलग से कंपोनेंट है या ग्रुप, मैं इसको क्रिएट कर सकता हूं, समझ गए। रेक्टेंगल नहीं बनाया मैंने, सिर्फ कॉपी और पेस्ट किया। अब वही चीज मैं इस पे करूंगा डबल क्लिक, और मैं यहां से इसका ऑफसेट ले लेता हूं 0.2 एंटर, और इसको पुश कर देता हूं इस वाले पार्ट को पीछे तक, ताकि ये आपका फॉल हो जाए। और इसको मैं सिलेक्ट करके मूव कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी, क्लियर है। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब बात करते हैं इस वाले पार्ट की, और क्या तरीके हो सकते हैं बनाने के, इस पे ही ऑफसेट ले लेंगे। एक और तरीका है, इस पे डबल क्लिक करो, मूव कर दो कंट्रोल प्रेस करके, ये सरफेस आपका देखो बाहर निकल आएगा। हाँ, ओके, ठीक है, ये आपका बाहर निकल आया। अब ये अभी ग्रुप के अंदर ही है, बट इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि आप ये बाहर क्लिक करोगे ना डबल क्लिक, ये ग्रुप के अंदर ही रहेगा, इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। इसको आप इस सिलेक्ट करो और यहां से आप कट कर सकते हो, और ग्रुप से बाहर आके आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हो जहां पे भी आपको पेस्ट करना है। अब मैं इसको यहां पे क्लिक करके इसको यहां पे पेस्ट करूंगा, फिर इसको पुश करूंगा 1 इंच। अब मैं ट्रिपल क्लिक करके इसको राइट क्लिक करके क्या बनाऊंगा, मेक ग्रुप, ये पूरा फेस ही था ना, हाँ, मेक ग्रुप और मेक कंपोनेंट, ओके। और इस पे मैं डबल क्लिक करके इस वाले फेस को मैं ऑफसेट दूंगा 0.2 एंटर, और मैं पुश कर दूंगा इस वाले पार्ट को पीछे की तरफ यहाँ पे, समझ गए अब ये भी, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में क्या करना है, होल करने है,
होल के साथ साथ मेरे को ये भी दिखाना है। अब ये दिखाने के लिए मैं क्या करूं, वही सबसे पहले तो इसको लूं, डबल क्लिक इस पे, डबल क्लिक इस पे, डबल क्लिक, दोनों मैंने सेलेक्ट किए, कंट्रोल सी से कॉपी, बाहर क्लिक किया और पेस्ट इन प्लेस, और ये मैंने पुश कर दिया 1 inch ये, और 1 inch नहीं, इसको तो पुश ही नहीं करना, ऑफसेट कर गए, इसको तो पुश ही नहीं करना, इसको तो हम क्या करेंगे सिंपली ऑफसेट ले लेंगे। हाँ, जितना हम लेते जा रहे हैं 0.2, या फिर अब ये तो दिखाना है, हम तो इसको 0.6 कर लेंगे ताकि ये थिकनेस दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे भी कितना ऑफसेट लेता हूँ, सिलेक्ट किया ये, एक मिनट, 0.6, ओके। अब यहाँ पे सिंगल थिकनेस आ गई और यहाँ पे डबल थिकनेस आई है, डबल आई है ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस एज को मूव करना पड़ेगा नीचे की तरफ कितना, 0.3, 0.6 मैंने टोटल लिया है, तो मैं नीचे 0.3 मूव करूंगा और इसको मैं मूव करूंगा ऊपर की तरफ कितना, 0.3, तो ये इक्वल हो जाएगा। बीच वाले पार्ट को सिलेक्ट करूंगा मैं, इरेज कर दूंगा, अरे रुको, ये नहीं करना था, ये तो है, ये तो करना ही था, डबल क्लिक ट्रिपल क्लिक किया, मूव किया मैंने इस वाले पार्ट को आगे की तरफ, बेसिकली ये वाला काम मेरे को इसी के अंदर करना है, डबल क्लिक करके मेरे को ये काम इसी के अंदर करना है, कि इसको मैंने सिलेक्ट किया, ऑफसेट लिया 0.6 का, इसको सिलेक्ट किया और ऑफसेट लिया 0.6 का, ठीक है। अब मैं इस पार्ट को यहां से सिलेक्ट करके मूव करूंगा ऊपर की तरफ कितना, या फिर थोड़ा और इजी करना है तो मैं इसका यहां से एक वो ले लूंगा 0.3 और इसको यहां पे ले लूंगा 0.3, ताकि आपके लिए इजी रहे। अब आप इसको सिलेक्ट करके मूव कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करके मूव कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे। अब इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करके मैं इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज किया, इसको इरेज किया, अब मैं मिडल वाले पार्ट को पीछे की तरफ पुश कर दूंगा। अब कितना पीछे की तरफ करना है, अब ऐसे पकड़ा नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूं, एक तरीका है कि मैं यहाँ पे जाऊं, मान लो उधर से मेरे को एक्स-रे विजन से देख सकते हैं ना, है एक्स-रे देख सकते हैं, बट पिक पॉइंट तो नहीं आएगा ना कोई, हाँ वो नहीं आएगा, तो मैं क्या करूं, एक मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया और यहाँ से मैंने इस पे क्लिक कर दिया, वो अपने आप ही उतना हो जाएगा, यहाँ से लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया इस रेफरेंस पॉइंट पे, तो अपने आप ही हो जाएगा, क्लियर है। ये अब ऐसे दिखाना है तो ये ऐसे दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इस सरफेस को मैं यहां तक भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, ताकि ये बाहर की तरफ इसके गेट तक दिखे, वरना अंदर की तरफ चाहिए वो आपके ऊपर है, अंदर की तरफ आप इसे रख सकते हो, वरना अंदर की तरफ ही है ये, क्लियर है। ऐसे ही अब मैं इसको करूंगा, इसको डबल क्लिक किया, कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ पे बाहर क्लिक किया और पेस्ट इन प्लेस कर दिया, ये आ गया, पुश कर दिया 1 inch पे, ओके। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसका ऑफसेट लिया 0.2, ओके, पुश किया ये वाला आपने पार्ट यहाँ से पुश, और ये पीछे की तरफ आ गया, ट्रिपल क्लिक किया, ग्रुप किया, राइट क्लिक कंपोनेंट, और मैं इसको मूव कर दूंगा यहाँ से पिक करके, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे, ये मेरा आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैं इन तीनों को करूंगा, डबल क्लिक, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, कंट्रोल सी और बाहर क्लिक, पेस्ट इन प्लेस, पुश 1, तीनों को 1-1 किया, सिलेक्ट किया, ऑफसेट 0.2 तीनों पे, ये ऑफसेट 0.2 और ये ऑफसेट 0.2, पुश, ट्रिपल क्लिक, राइट क्लिक, मेक कंपोनेंट, क्लियर है। ओके, और ऐसे ही ये है तो आपका, अब तो क्लियर है। दूसरा तरीका यूज करते हैं, रेक्टेंगल क्रिएट किया और आपने पुश किया 1 inch और उसके बाद ये ऑफसेट लिया 0.2, ओके, पुश किया और आप यहां से इजिली पुश कर सकते हैं और इस पे ट्रिपल क्लिक करके मेक ग्रुप और मेक कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे
सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल लिया, पुश किया 1 inches, इसको आपने सिलेक्ट किया और इसको आपने ऑफसेट किया 0.2 और पुश कर दिया यहां से इसको, इसको। एक और चीज कर सकते थे, इससे और इजी हो जाता आपको करना, बताऊं क्या? देखो मैंने अंडू किया, मैंने ये बना दिया, इसको ट्रिपल क्लिक किया, मेक ग्रुप किया, ट्रिपल कंपोनेंट क्रिएट किया, पहले मैंने इसको कंट्रोल प्रेस करके जहां मूव करना था ना मूव कर दिया। अब काफी सारे बॉक्सेस होंगे जो एक जैसे होंगे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब जब कंपोनेंट बना के आपने सारे कॉपी कर दिए ना, अगर आप अब एक पे डबल क्लिक करके और इसको आप यहाँ पे ऑफसेट दोगे तो वो क्या होगा, सब पे आएगा, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको डायरेक्टली आप पुश करोगे पीछे तो सारे ही एक ही बारी में हो जाएंगे, समझ रहे हो? तो इस चीज का आप अपने उसमें यूज कर सकते हो। इतना काम क्लियर, बॉक्सेस बन गए, ये बन गए। अब एक ऊपर क्या बनानी है आपको, स्लैब। स्लैब, स्लैब के लिए क्या करूं, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? वो कंट्रोल प्लस करके भी बन सकते। हाँ बिल्कुल, डबल क्लिक सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी से कॉपी, बाहर आओ कमांड के, कंट्रोल पेस्ट इन प्लेस करो, इसको फिर पुश करो, मान लो 2 inches तक चाहिए, 2 inches तक लगाया, इरेज कर दो ये वाली लाइंस को। अरे सर ये जो कमांड फिर से जरा बताइए ना, ये पेस्ट इन प्लेस वाला सीक्वेंस कैसे करना है? बताता हूँ। मान लो मैंने इसको ट्रिपल क्लिक किया, मेक ग्रुप किया, ओके, और इसको मैंने राइट क्लिक, मेक कंपोनेंट, ओके। अब मेरे को ये वाला फेस दोबारा से चाहिए मान लो, ओके ठीक, एग्जांपल के लिए मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा, कंपोनेंट में, कंपोनेंट में अंदर अंदर आप चले गए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको रीजन बता देता हूँ। मान लो मेरे पास ये है, मैंने इसको ना ग्रुप किया हुआ ना कंपोनेंट किया हुआ, अगर मैं इस फेस को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर दूं और अब मैं कंट्रोल वी पेस्ट इन प्लेस कर दूं, तो ये आपका यहीं पे पेस्ट हो जाएगा, और जैसे ही पेस्ट होगा वो तो एक ऑब्जेक्ट का पार्ट फिर से बन जाएगा, समझ रहे हो? तो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इसको ट्रिपल क्लिक करके क्या बना दूं, ग्रुप। अब मैं करूंगा ना पेस्ट इन प्लेस, तो वो इसके ऊपर आएगा और आप इसे पुश कर सकते हो। अब ये ऑब्जेक्ट अलग है और ये ऑब्जेक्ट अलग है, मतलब पेस्ट इन प्लेस करने से पहले कंपोनेंट बना लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर दूसरा तरीका कि मैंने पहले ग्रुप या कंपोनेंट बनाया, अब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा, इस फेस पे डबल क्लिक करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लूंगा, ओके। अब मैं बाहर क्लिक करूंगा, मैं ग्रुप से बाहर आ गया हूँ, अब मैं पेस्ट इन प्लेस करूंगा ना, तो इसके ऊपर जो आएगा वो अलग से एक सरफेस होगा, कंपोनेंट का पार्ट नहीं बनेगा वो। हाँ, वो कंपोनेंट का पार्ट नहीं बनेगा, ये अलग से बन गया। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसमें जब हम काम करेंगे ना तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो मैंने यहाँ पे स्लैब बनाया, तो मेरे को क्या करना है, स्लैब को बाहर की तरफ करना है एक ही साइड से, क्योंकि अभी एल शेप में नहीं है, तो एक ही साइड से हम करेंगे बाहर की साइड। अब हमारे पास वो राउंड एजेस वाला एक्सटेंशन होता, तो मैं यहां से इसको सिलेक्ट करता, एज को क्या कर देता, राउंड कर देता हल्का सा, तो वो राउंड एजेस वहां पे आ जाता, कोई नहीं। इतना क्लियर है अभी के लिए, ठीक है, चलो अब क्या करें ऊपर वाले, ठीक है। अब ऊपर वाले बनाएंगे तो ऊपर वाले के अभी सर अभी मतलब राउंड नहीं कर सकते, अभी राउंड कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी नहीं, अभी वो जो कमांड है ना आपका, ये फॉलो मी वाला कमांड, एक आर्च ब्रो कर सकते हैं, वो कटिंग कर सकते हैं, कटिंग जैसे हाँ, वो कटिंग कर सकते हैं, बट वो इतना स्मूथ नजर नहीं आता एक्चुअल में, मतलब दो मतलब लाइन दिखाई देगी एंड पे, लाइन दिखाई देती है, ठीक है। बेसिकली अभी तो क्या है कि मैं इसको सिलेक्ट करके ना राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सॉफ्टन, इसको कर दूंगा, तो जब आप रेंडर करोगे ना तो ये हल्का सा सॉफ्ट दिखेगा, बट वो जो आपके राउंड कॉर्नर वाला एक्सटेंशन है ना, उसमें क्या होता है कि वो कंप्लीट राउंड दिखता है, क्योंकि मैं डाउनलोड कर रहा था, वो मेरे को दिखा नहीं अभी कहीं पे, ठीक है। वो दिखेगा तो मैं डाउनलोड करके वो आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो उससे इजी हो जाएंगी आपके लिए। फॉलो मी वाले से दो मतलब लकीर दिखाई देगी एंड पे, वो लाइन दिखाई देगी बेसिकली, या डिमार्केशन है प्लेन और कर्वेचर का, जो वहां जो मतलब बाउंड्री लाइन है दोनों की, कॉमन बाउंड्री लाइन, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को दोनों वॉल और वो अनहाइड करना है, अनहाइड करने के लिए मैं एडिट पे जाऊंगा, अनहाइड पे क्लिक किया और ऑल पे क्लिक कर दिया, वो सारा अनहाइड हो गया, ठीक है। अब मेरे को ऊपर की तरफ बनाना है,
तो ऊपर की तरफ बनाने के लिए मेरे को क्या करना है सर? सर अभी एक ड्रोअर आपने बनाया, ड्रोअर के कोई भी एक ड्रोअर का हैंडल बना लीजिए, टिपिकल हैंडल बस। ये वो हैंडल बनाता हूं मैं, इसको दोबारा से हाइड ही कर देता हूं। यस एक का ही बनाइए हैंडल, सभी का नहीं, कोई नहीं, वो कॉपी हो जाएगा वो तो। अब ये वाला हैंडल है, ये वाला हैंडल जो मेरे को लग रहा है ना ऐसे वाला है, एक सिलेंड्रिकल लाइन है और दो वो बने हुए होल से उसके ऊपर। या तो मैं यहाँ पे जाऊं 3D वेयर हाउस में और यहाँ पे मेरा ड्रोअर हैंडल है, कोई भी एक बढ़िया सा हैंडल मैं चूज कर लू। देखो ये वाले हैंडल आ गए, इस टाइप का कोई भी हैंडल। अब या तो ये सिलेंडर बना के बना लो या फिर बने बनाए यहाँ पे ये वाला चलेगा ना, ये वाला है यहाँ पे हैंडल। तो आप इस हैंडल को यहाँ पे डाउनलोड करो, यस करो और यहाँ पे इसको यूज कर लो। पहले तो कितना बड़ा है, देखो कितना बड़ा हैंडल आया। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करो और क्या करोगे अभी से किचन के साइज का हैंडल, तो ये आप यहाँ पे पहले पहले फिर मेजर करना पड़ेगा वो हैंडल जो आपने डाउनलोड किया वो कितना बड़ा है, अभी कितना चाहिए वो रेशियो। कोई बात नहीं, वो तो जब लगाएंगे तो उसी से आइडिया हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जब लगाएंगे यहाँ पे तो उससे आइडिया हो जाएगा कि कितना बड़ा है कितना नहीं है। ये मैंने यहाँ पे किया और इसको मैं अब कैसे लगाना, कैसे इसको मैं रोटेट करता हूँ एक बार के लिए इस वाले सरफेस से कि मेरे को ये ऐसे लगाना है बेसिकली। ये वाला मैंने ऐसे ठीक है, एक मिनट एक बार लगा के देखते हैं ना, फिर दोबारा से स्केल करते हैं। यहां से पिक किया, यहां प्लेस करता हूं। और इसको स्केल करता हूं इतना चाहिए। अब इसको एग्जैक्टली लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अब यहां से टॉप या फ्रंट पे जाऊंगा पहले तो, और इसको करूंगा पैरेलल प्रोजेक्शन। मेरे पास ये देखो ये वाला ऑब्जेक्ट है, अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, मूव किया, यहां से मूव करके मैं यहां पे ले आऊंगा। ठीक है, अब मैं जाऊंगा टॉप पे, यहां से मूव करके मैं वायर फ्रेम ऑन करूंगा, मैं इसको यहाँ पे ले आऊंगा। देखने में कितना बड़ा लग रहा था, अब कितना छोटा सा है। इसको मैं हल्का सा अब यहाँ से बड़ा करूंगा, ऐसे नहीं एक कॉर्नर पकड़ ताकि वो इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ो। तो ये मैंने हैंडल यहाँ पे लिया, अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं इसको यहाँ से मूव करके अब मैं इसके सरफेस को इस वाले सरफेस पे पिक करूंगा। ये पिक करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, अब मैं यहाँ पे इसके सेंटर में जहां पे रखना है फ्रंट में जाके मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। यहाँ पे प्लेस करना है इसको हल्का सा ऊपर, और इसको मैं क्या कर दूं, ये कंपोनेंट तो ऑलरेडी है ही है, तो मैं इसको यहां से कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे प्लेस, कंट्रोल प्रेस करके अब मैं इसी को सिलेक्ट करके इसी को कंट्रोल मूव कर देता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे, और इसको मैं दो तीन कर लू 5x ताकि ये आ जाए। और इसको सिंपली मैं क्या करूँ, मूव यहाँ पे, इसको डिलीट, इसको सिलेक्ट किया, मूव यहाँ से यहाँ पे, और इसको सिलेक्ट किया, मूव यहाँ से। वो हॉलो है, अच्छा ये तो वो तो हॉलो था, यहाँ से मूव नीच तो मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा। तो ये तो आप अपने तरीके से प्लेस कर सकते हो, वो तो सर कर देंगे, वो जैसे मिस्त्री मार्किंग करते हैं ना वो पेंसिल से, वो इधर भी मार्किंग करते हैं, जहाँ पे भी आपको प्लेस करना है वो तो आप अपने तरीके से प्लेस कर सकते हो। ये पहले यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे इसको सिलेक्ट करके मूव यहाँ से, चलो हो ही गए हैं तो एक दो रखे। ऐसे आप ये बना सकते, बन गए हैंडल। ठीक है, ऐसे करके और उसपे मटेरियल लगाएंगे तो सारा एक जैसा मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहाँ पे करता हूँ एडिट अनहाइड ऑल, सारे अनहाइड हो गए। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आए जैसे कटिंग आ रही है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कर दो जूम एक्सटेंड हो जाएगा और आपका ऐसे आ जाएगा। चलो अब ऊपर वाले बनाते हैं, ऊपर वालों के लिए मेरे को क्या करना है, पहले तो वॉल को डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया, ठीक है,
इस वाली एज को सिलेक्ट किया और इस वाली एज को मान लो मेरे को मूव कर दिया मैंने कंट्रोल प्रेस करके, एक तो प्लेस कर दी यहाँ पे, उसके बाद इसको सिलेक्ट किया, एक मैंने प्लेस कर दी 2 फिट की हाइट पे, बीच में ये स्पेस कितना होता है 2 फिट का ही होता है, हाँ 2 फिट ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको ऊपर एक प्लेस कर दिया, ऊपर वाला जो है वो कितना हाइट होगी, वो भी 2 फिट ही है, 2 फिट के अराउंड, तो 24 इंचेस दे लेता हूँ, तो 24 इंचेस की ऊपर वाले ड्रोर की हाइट है, ठीक है। अब बनाना तो इस पे नहीं है, बनाना तो अलग से, तो मैं रेक्टेंगल लूंगा बाहर आके और एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना दूंगा और उसको पुश कर दूंगा, ऊपर वाला छोटा होता है बेसिकली, नीचे वाला 30 इंच के लिया तो ऊपर वाला 18 इंच का हम लेंगे, डर इसका ज्यादा हो जाएगा, हेड मतलब टकरा जाएगा जब झुकेगी वो लेडी, नहीं 18 इंच, 18 इंच ज्यादा होता है सर, 12 इंच 15 इंच से ज्यादा नहीं होता है, आपकी मान लेते हैं 6 इंच अंदर का, नहीं नहीं मान लेते हैं, नहीं होता है झुकेगी तो इसका सिर टिकराएगा वहां सामने, 12 इंचेस का ले लिया, ट्रिपल किया, राइट क्लिक किया, ग्रुप बना दिया, अब वॉल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मैंने कर दिया इसे हाइट, अब हमें इस पे काम करना और मैं इसको भी हाइट कर देता हूँ। अब इस पे काम करने के लिए अब मेरे को वही सिंपली क्या बनाने हैं, ड्रॉर बनाने हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा पहले एक चिमनी का भी स्पेस चाहिए हमें, ठीक है, तो हम उसका भी करेंगे, चिमनी के स्पेस के लिए पहले हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे चिमनी हमें इसके ऊपर चाहिए ना एग्जैक्टली, तो हमने ये कितना लिया था 1.5 फिट ये लिया था, 1 फिट ये लिया था, तो 2.5 फिट के आसपास का मेरे को यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ 2 फिट 6 इंचेस और इसको 2 फिट 6 इंचेस करके इसको सिलेक्ट किया, मूव किया और इसको कर देता हूँ मान लो मैं वही 2 फिट पे या फिर 1.5 फिट पे, अब एग्जैक्ट नहीं पता तो हम अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है, मान लो मैं 1.5 फिट पे करता हूँ, 1 फिट 6 इंचेस पे मैंने कर दिया, ये मेरे 2 ड्रॉर्स आ गए, ये नीचे वाले मैंने 2 पे लिया था तो इसको सिलेक्ट करके मूव कर दूंगा मैं कहाँ पे 2 फिट पे, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ फिर 2 फिट ही है, फिर ले लेता हूँ 2 फिट, 2 फिट या फिर 3 फिट ले लेता हूँ, चलो हमारा कुछ आ रहा है, ठीक है, अब ले लेता हूँ 2 फिट और फिर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 1 फिट या फिर 1 फिट 6 इंचेस, चलो अब सही है, ओके, चलो ये पूरा ड्रॉर चाहिए, इसका फिर वही है, इसको मैंने मूव किया यहाँ पे सेंटर में और यहां से जो ये मेरा 2 फिट है इसको भी मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं मूव करता हूँ, ये मैंने लिया मूव, इसको मैं सेंटर पे लेने की बजाय मैं यहाँ पे ले लेता हूँ या फिर यहाँ पे, ओके ठीक है, एक छोटे वाला बना देता हूँ यहाँ पे, मेरे को इसको मैंने सिलेक्ट किया, मूव किया, अब ये सेंटर पे है यहाँ पे और नीचे वाला पार्ट है नहीं, तो नीचे वाले पार्ट को मैं क्या करूंगा, पुश पीछे की तरफ, हट गया ये आपका पार्ट, किस चीज का बच गया, चिमनी का, बट ये सेंटर पे नहीं था, वो सेंटर पे नहीं है, हाँ हाँ, यहाँ पे मूव किया, यहाँ से ये वाला सेंटर आएगा, अब आपने पुश करके ये पीछे वाला कर दिया, ये मेरा पार्ट आ गया और ये दो ड्रॉर ऐसे ही चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली स्पीडली बनाना है तो रेक्टेंगल लिया, ये बनाया, पुश किया, 1 इंचेस का किया, ओके, और इस पर डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ग्रुप किया और राइट क्लिक किया, कंपोनेंट किया और क्रिएट। अब कंपोनेंट क्रिएट करके मैं इस कंपोनेंट को कॉपी करूंगा बेसिकली, स्केल कर देंगे बारे में, यहाँ पे बाद में स्केल कर देंगे, यहाँ से मैंने इसको क्रिएट किया, यहाँ पे, यहाँ से नहीं चाहिए ना, इसको बीच वाले में करेंगे ना, अभी सिंपल एक कवर्ड के लिए तो चाहिए वहां पे, चिमनी में, चिमनी के ऊपर कवर्ड करने के लिए तो है, एक ड्रोर नहीं है बेसिकली, कवर्ड करने के लिए, ओके, उसके लिए बनाया, ठीक है, जो पहले इनको कर लेते हैं। अब जैसे ये था, ये वाला जो है मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ, इसको मैं स्केल करता हूँ सेंटर से पकड़ के यहाँ पे, ये आपका ऐसे बन गया, इसको सिलेक्ट किया, इसको मैं स्केल करता हूँ यहां से पकड़ के यहाँ पे और नीचे से पकड़ के, बीच वाला सेंटर वाला पकड़ रहा हूं मैं यहाँ तक, क्लियर है, ये आपका इतना ही है, ये आपका इतना ही है, बट ये हाफ हाफ पार्टीशन था, ये एक ही है ना, ये हाँ, ये तो एक ही है ना, इसको मैंने यहाँ से स्केल किया,
यहां से यहां तक, और नीचे से मैं स्केल करता हूँ मान लो यहां तक, और इसको मैं मूव कर देता हूँ यहां से पकड़ के यहाँ पे, और फिर स्केल कर देता हूँ नीचे से यहाँ तक। ऐसे ही इसको सिलेक्ट किया, मूव किया यहां से पिक करके यहाँ पे, इसको स्केल किया सेंटर से यहां तक, नीचे से स्केल किया यहां तक, और मूव कर दिया कंट्रोल प्रेस करके यहां से लेके यहां तक। इसके बाद सिलेक्ट किया, मूव किया यहां से यहां, स्केल किया। समझ रहे हो ना सारी चीजें? यहां से पकड़ के यहां, और अब इसको, अब इसमें तो खाली वो चाहिए, हाँ, मैंने बनाया। अच्छा ये भी तो एक ही था बस, हाँ एक ही बनाना है मेरे को यहाँ पे, तो मैंने इसको यहाँ पे चलो ये मैंने हटाया, ये मेरे आगे अब सारे कंपोनेंट थे। अब मैं एक को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे ऑफसेट लूंगा 0.2 और पुश कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक, ये देखो सारे हो जाएंगे आपके। अब जितनी मेहनत नीचे की है एकदम से ऊपर वो मेहनत बच गई, ठीक है ये सारे आपके आगे। अब यहाँ पे क्या करें, डबल क्लिक ऑफसेट, डबल क्लिक करने के बाद इसका हम लेते हैं ऑफसेट, वही कितना लिया था 0.6, बट इसमें डिवीजन करना पड़ेगा स्लैब के। हाँ एक डिवीजन कर लेंगे ना बीच में, लाइन ले लेते हैं सेंटर से, ये लाइन ले ली, और इसका हम क्या कर लेते हैं 0.3 ऑफसेट, 0.3 का ऑफसेट ले लेते हैं, 0.3 इसके नीचे, 0.3 बीच वाले को कर देते हैं डिलीट, और रेक्टेंगल लेके ये बना देते हैं रेक्टेंगल, बना दिया, इरेज लेंगे इसको, इरेज कर देंगे इसको, इरेज कर देंगे, ऊपर जाएंगे इसका हम यहाँ से 1 इंच का ले लेंगे, और यहाँ से पुश करके इस चीज को यहाँ पे पुश, और इस चीज को यहाँ पे पुश, बन गया ये, इसको बाहर क्लिक और ये बन जाएगा आपका। ऐसे ही हम इस हैंडल को सिलेक्ट करेंगे अब एक को, और हैंडल लगा देंगे मूव, यहां से मैंने हैंडल लगाया कंट्रोल प्रेस करके इसके इस सरफेस पे, क्यों, क्योंकि पिक हो गया, और यहां से बीच में लगा दिया, फ्रंट पे चले जाओ। अब मैं यहां से कंट्रोल प्रेस करके यहां से पिक करके यहां, और कंट्रोल प्रेस करके यहां से पिक करके यहां, यहां से पिक करके यहां, यहां से पिक करके, इसमें गैप नहीं रह जाएगा ऐसे करने से, डायगोनल बेसिकली मूव करने से बहुत बार गैप आ जाता है, वो तो फिर बाद में आपको देखना पड़ेगा, अब जरूरी थोड़ा ना, अब यहाँ पे क्या पता मैं कहाँ से पिक हो रहा हूँ, वो इस वजह से गैप आएगा तो, ठीक है, तो कोई नहीं, वो तो आपको बाद में चेकआउट करना है ना सारा। हाँ यहाँ पे लेके यहाँ, तो आपके ये ड्रॉर्स बन गए सारे के सारे, ओके क्लियर है। अब कुछ कंपोनेंट है, हम यहाँ पे स्टोव लगाना है मेरे को इसके ऊपर, तो मैं जाऊं 3D वेयरहाउस में, ये सारी चीजें पहले ही आप निकाल के रखो, गैस स्टोव, क्या बोलते हैं इसे, बर्नर, हॉट प्लेट, हॉट प्लेट बोलते हैं, हॉट प्लेट, हॉट प्लेट, हॉट प्लेट होती है क्या, एक आयन छोटा सा हॉट प्लेट, ये थोड़ी ना, तो सिंगल वाला है, गैस बर्नर बेसिकली, गैस बर्नर ही बोलते होंगे, गैस स्टोव, हाँ ये इस टाइप का ना, ये आ गया आपका। अब इसमें से जो भी आपको चाहिए बढ़िया सा, अब ये इसके अंदर स्लैब के अंदर फिक्स है, अब फिक्स का तो आपको पता होगा कैसे करना है, वो तो कुकिंग, हाँ वो तो पेस्ट लेंगे उसको, ठीक है वो मैं यहाँ से कर लेंगे इसको, यस किया और मैंने इसके ऊपर पिक करके लगा दिया। अब मैं इसको आराम से कहीं पे भी मूव करके, ये लगाना कहाँ पे, इसके नीचे लगाना है ना बिल्कुल ही, हाँ। और साइज भी इसी के अकॉर्डिंग करना है, साइज भी उतना ही है 2 फिट के अराउंड, ठीक है, तो मैं क्या करूं, टॉप पे जाऊं, ये ऑन करूं, स्केल करूं, और यहां से स्केल कर दूं कहां तक, यहां तक कि मेरे को यहां तक चाहिए, और यहां से स्केल कर दूं कहां तक, यहां तक, वो रेशियो लेकिन चेंज हो गया हमारा, अब वो थोड़ा सा आपको ये तो करना ही पड़ेगा ना, या तो फिर आप कंट्रोल प्रेस करके स्केल करो, डायगनल कर सकते थे, डायगनली डायगनल करोगे तो फिर आपको नीचे भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, हाँ
क्योंकि वो पिक नहीं करेगा फिर पॉइंट को। हाँ ठीक है चलो ये आप स्केल करके आपके ऐसे और जैसे भी बर्नर बर्नर सर्कुलर दिखना चाहिए इसलिए डायगोनल करना पड़ेगा। ये क्या इलिप्स बन गए सभी? एक सेकंड बर्नर सभी इलिप्स बन गए। हाँ ये इलिप्स बन गए। ठीक है हाँ इलिप्स इसलिए डायगोनल करना पड़ेगा ताकि वो इसका एस्पेक्ट रेशियो बिल्कुल नहीं रहे। वो ये हम छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे टॉप पे जाते हैं। टॉप पे जाके मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ। यहाँ पे मैंने मूव किया ठीक है रेशो ठीक है। यहाँ पे मूव किया फ्रंट पे जाओ। फ्रंट पे अगर आपको ही नीचे रखना है डाउन करना होगा डाउन करना है तो हम इसे यहाँ पे डाउन करेंगे। इतना डाउन हमें चाहिए। अब इतना डाउन चाहिए तो ये आ गया। और अगर आपको होल करना पड़े तो होल तो पता ही है ना कर लोगे ना। हाँ स्लैब के अंदर होल करना है तो आप कर सकते हो और इसको आप इतना पीछे यहाँ पे रख सकते हो। अब ये कितना पीछे आएगा मतलब इतना पीछे हम यहाँ पे रख ज्यादा पीछे हो गया ना बट ये लो बस इतना ठीक। चलो ये आपका यहाँ पे स्टॉप लग गया और ये आपने अरे ठीक है। इसलिए पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्किंग करके प्लेस करना चाहिए। हाँ वो मार्किंग करोगे प्लेस करोगे अपने तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंक लगाना है यहाँ पे जैसे सर वो मिस्त्री लोग काम करते हैं ना वही तरीके से बिल्कुल 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 वही चीजें करते हैं। लेकिन वो लोग फिजिकल करते हैं हमको वर्चुअल करना है बस फर्क। बिल्कुल बिल्कुल अब यहाँ पे आपको सिंक लगाना है। 3D वेयर हाउस यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लगाओ सिंक। एक चीज ध्यान रखना जितने कंपोनेंट आपके ऑब्जेक्ट में रहेंगे प्रोजेक्ट में उतना रेंडर आपका बढ़िया है क्योंकि डेप्थ दिखती है ना इनसे सारी चीजों की। खाली घर आप देखो इतना अच्छा लगता है जब सामान रखा हो सारा तब अच्छा लगता है वो। तो यहाँ पे सिंक हम ले लेते हैं कोई भी ठीक है मान लो चलो ये ले आया कोई भी सिंक हम लेंगे यहाँ से। अब उसमें टैप के साथ है सर एक बेसिक स्टेनलेस स्टील वाला एक बेसिक सर सवाल है स्केचअप में सर मान लीजिए कोई स्टोर रूम में सभी चीज रैंडमली रखी है एकदम हैपजर मैनर में रखी है सभी वेस्टेज तो इसका मॉडल बना सकते हैं। कोई कोई बार क्या होता है स्टोर एक घर के अंदर स्टोर में नहीं वो पुरानी चीज ऐसी चीज फालतू के बना सकते हैं मॉडल उठाने और लगाने आपको बस नहीं नहीं फेंकते हैं लोग रैंडमली रखी है एपर्चर में रैंडमली फेंक दो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है चलो ये मैंने यहाँ पे सिंक लगाया बट सिंक का तो होल दिखाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है होल दिखाने के लिए आप इसको सिलेक्ट करो वायर फ्रेम में जाओ ये वाला होल आएगा बेसिकली। अब होल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे वायर फ्रेम में जाके हम यहाँ से एक क्या नाम है इस पर डबल क्लिक करेंगे रेक्टेंगल लगाएंगे बाउंड्री ड्रॉ करना पड़ेगा ना होल होल के लिए। यहाँ से हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे बेसिकली। ये लेवल में नहीं लगता है तभी ऐसा कोई बात नहीं हम ये इसका काम करेंगे यहाँ से। अब देखो कंपोनेंट आए आपका सिस्टम स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ये ध्यान रखना जैसे ही कंपोनेंट आएंगे सिस्टम स्लो। एक्चुअली एक सर है विंडो में जाके ना उसको कर सकते हैं पर्ज। हाँ वो पर्ज हो जाएगा ना वो मॉडल उन्हीं चीजों को तो पर्ज करेगा ना जो यूज के नहीं है। हाँ तो इसमें जो इंपोर्ट करते हैं ना उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा भी आ जाता है बहुत कुछ। हाँ वो भी तो, करेंगे हाँ। ठीक है अब यहाँ से मान लो मैंने ये ले लिया अरे ये देखो सिस्टम इतना स्लो हो गया। ये मैंने लाइन ली अब मैं रेक्टेंगल ले सकता हूँ इस वाले पॉइंट से। ये क्या हो रहा है ये इतना स्लो क्यों हो गया मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं कर देता हूँ इसको सिलेक्ट किया डबल क्लिक रेक्टेंगल ऐसे रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ और एक लाइन लेता हूँ ये ओपन करके इसके यहाँ पे। क्यों क्योंकि मेरे को ये वाला सरफेस तो थोड़ा सा ही चाहिए ये मैं यहाँ पे इसके नीचे तक होली कर देता हूँ। ये क्या आ रहा है दिख रहा है ना सही से हाँ और ये वाला जो सरफेस है मेरे को ये वाला सरफेस इस पे लाइन नहीं आई इसको तो
इसको आप डिलीट करके आप देखिए, एक बार डिलीट मारिए, सिलेक्ट किया इसको डिलीट तो मारिए, अंडू कर दिया। ये लाइन में दोबारा से लेता हूँ यहाँ पे, अब आई ना, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ तक। उसमें मूव हो जा रहा है बेग, वो एक्चुअली क्या है ना सर, शेल्फ आपका अलग से बना था ना, तो वो उसका लिमिटेशन है, उतना ही दूर तक जाएगा। नीचे वाला लिमिटेशन तो है, नीचे वाले को करना पड़ेगा ना, ये तो ड्रॉवर, ड्रॉवर सब काटना पड़ेगा, ये ड्रॉवर काटने पड़ेंगे, इसको सिलेक्ट करके मैं कर दूंगा हाइड। हाँ हाइड करके, ठीक है, अब ये नीचे वाला कट करना है। हाँ ये डबल क्लिक करके अब ये वाला कट करना है यहाँ पे। ये सब एक्चुअली आपकी जो सिंक की जो डेप्थ होती है ना, वो जो डेप्थ और जो सामने ड्रॉवर दोनों दोनों टकराते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। ये जो ड्रॉवर है ना आपके सामने, ये ड्रॉवर का पार्ट और इसका सिंक की डेप्थ होती है 7 इंच 8 इंच, तो दोनों टकराते हैं इसके अंदर में, इसलिए प्रॉब्लम आती है। कोई नहीं, अभी देख लेते हैं प्रॉब्लम को, हम इसको सिलेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके, अभी के लिए हम इसको कर देते हैं हाइड, राइट क्लिक हाइड, जो चीजें परेशान करेंगी हाइड कर देंगे। बट ये हो, ये तो सिंक में काफी स्लो हो गया भाई, हम इस सिंक को ही हटा देते हैं अभी नीचे हमें, और यहाँ से हम अनहाइड कर देते हैं सारी चीजें, हम दूसरा कुछ लेंगे, एडिट अनहाइड, ये सारी चीजें आ गई, ये क्या अलग से क्या बन गया था, ये अंडू कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। सर सर सिंक का सर हम प्रोजेक्टेड व्यू इसमें बनाना पॉसिबल है ना, जैसे प्लान बनाना है प्रोजेक्टेड व्यू सिंक का कैसे क्या सिंक का, जैसे नहीं वो ऑटोकैड में भी होता कि भी ये मॉडल में से प्लान एलिवेशन सेक्शन हम ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ वो कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो वही जो लकीर ये हमला प्रिंट कर देंगे और इसके बाद पुश पुल कर देंगे तो गैप अपने आप हो जाएगा। हाँ तो पहले वो छोटा सा सिंक लेते हैं हम, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं, सिंक सिंगल वाला ही लूंगा, टैप के साथ आ जाए जो। ओह यस यस, हमको तो सिर्फ सीखने का है, अभी लगाना कहाँ है, यूज कहाँ करना है। चलो हम ये वाला ले लेते हैं, नॉर्मल हम स्टैंडर्ड का लगा रहे हैं, चलो ये वाला ले रहे हैं, ये थोड़ा सा सही है, ठीक है। ये तो वॉच बिजी है, चले चलेगा, कोई नहीं चलेगा, थोड़ा जिसका कॉर्नर शार्प हो वही ले लो तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने में सुविधा रहेगी। हाँ मैं बस वही इसके कॉर्नर ही को यहीं पे शार्प कर दूंगा बस, यहाँ पे मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूँ, ये मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ये ठीक ठीक है, नहीं है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, नहीं प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि वो सिंक की तरह दिखे, और इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, और मैं इसको एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, अंदर वाला ही चाहिए, ये बनाया बेस, ये ऊपर बन गया, मेरे को इस सरफेस पे बनाना है, बार की फाइल बनाना है, इनर एज में बनाएंगे। तो मैं दूसरे तरीके से बनाता हूँ, मैं बेसिकली सिर्फ ये लाइन लगाऊंगा, और ये कहाँ लगी है देखो, ऊपर की तरफ लगी है। अच्छा इनर एज को स्नैप करके बना सकते हैं ना, इनर एज को स्नैप करोगे कैसे, क्योंकि ये इनर तो नीचे है, कर रहा है। सब बार की जो है ना लाइन खींचे चारों ओर, मैं इसको है ना रेंडमली ले रहा हूँ, मैं इसको क्या करूँ, पहले मैं ये लेता हूँ क्या नाम है, टेप मेजरिंग टूल, यहां से ये लेता हूँ रेंडमली, ताकि ये वाली एजिस मेरा इसके ऊपर आए, यहां से यहां तक और यहां से लेके यहां तक। अब मैं जाता हूँ टॉप पे जाके मैं सिर्फ एक चीज देखता हूँ कि जो ये वाली एजिस है इसको मैं मूव करता हूँ अपने तरीके। अब मैं यहां से ऐसे मूव कर सकता हूँ, अब ये मेरा ठीक है, ये भी लिया मैंने, ये भी मूव किया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको हटा के इसको सिलेक्ट करूंगा और एक मिनट के लिए कर दूंगा हाइड। अब मैं इस पर डबल क्लिक करके अब मैं एक रेक्टेंगल इसके उस पर बनाऊंगा, अब मैं इसको पुश कर दूंगा नीचे की तरफ, ये होल होगा, ठीक है। अब ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, बेसिकली दूसरे तरीके यूज करते हैं, ठीक है। मैं एक रेक्टेंगल और बनाता हूँ इसी के ऊपर, एक सरफेस बन जाएगा, इसको सिलेक्ट करूंगा राइट क्लिक करूंगा और इसको भी हाइड कर दूंगा, और इस सरफेस को डबल क्लिक करके मैं मूव कर दूंगा नीचे इस वाले सरफेस पे, ठीक है। और इस वाले सरफेस पे मूव करते हुए मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी, या फिर मैं इसको करता हूँ कट। कट करने के बाद मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इस वाले सरफेस पे, ठीक है, या फिर और इसको मैं ले जाता हूँ नीचे वाले सरफेस पे,
ये वाला सर्फेस, क्लियर है। अब ये इसके ऊपर आ गया, अब मैं इसको नीचे की तरफ पुश कर दूंगा, फालतू टेंशन लूंगा ही नहीं मैं, समझ रहे हो। ये आपने पुश किया, अब यहाँ पे मैं अनहाइड कर दूंगा सारी चीजों को, तो ये जुगाड़ करने हैं कोई सारी, ये आपका अपने आप ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट ये वाली चीजें दिख रही हैं ऐसे, वो एजेस क्लियर नहीं दिख रही, तो हमें एग्जैक्टली इसका डायमेंशन लेके करना था, तो ये क्लियर हो जाती। वही तो मैं बोलता था पहले कि भी आप पहले बार की लकीर खींच दीजिए और इसके बराबर ही कट मार दीजिए दोनों ऑब्जेक्ट को, मैं इसको इसके बराबर ही यूनाइट कर सकते हैं, मैं इसको ना इसके बराबर ही कर देता हूँ। जैसा सर प्रैक्टिकल में सर होता है ना, ऐसा ही करने में मॉडल रियल बनता है, जैसे प्रैक्टिकल में वो क्या करेगा, पहले पत्थर काटेगा इसके बराबर, तो वही हमको भी वही करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ पे लिया, अब मैं स्केल करूंगा, अब यहाँ पे ये स्केल कर, बस बैठ गया। एक्चुअली एक दोरा डाउन में होता है सिंक, 1/8 इज डाउन में होता है अप्रोक्सिमेटली। अब ये एग्जैक्ट करके अब मैं इसको नीचे की तरफ मूव कर सकता हूँ हल्का सा, ये लो जी 0.125 ये आपका बन गया। तेरा भी इतना आपका सिंक बन गया, ये बन गया। अब चिमनी ले लेते हैं, अब चिमनी और फिर परेशान करेगी 3D वेयर हाउस। चिमनी ये चलेगी हमारी, अब चिमनी ली, चिमनी को पहले प्लेस किया यहाँ पे। आप पहले जाओ फ्रंट में, फ्रंट में जाके हम मूव करेंगे इसको ऊपर की तरफ, ये छोटा चाहिए थोड़ा साइज, तो हम स्केल करेंगे यहाँ से पकड़ के छोटा, फ्रंट में जाएंगे मूव करेंगे यहाँ से पकड़ के यहाँ पे, तो हम और इसको स्केल करेंगे बीच से पकड़ के, वो बीच से हो गया ना, बीच से, अरे यहाँ से पकड़ के, हाँ ये साइज, और यहाँ से पकड़ के, चलो ये साइज, फ्रंट में जाएंगे। अब ये ठीक है मेरी चिमनी, और इसको मैं मूव कर दूंगा हल्का सा नीचे की तरफ, ठीक है। अब मैं जाऊंगा टॉप पे, ये ऑन किया, और इसको मैं चिमनी को लगा दूंगा पीछे की तरफ, यहाँ पे चलिए चिमनी सही। अब पीछे से वो मर्ज तो नहीं हो रहा है, नहीं 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 ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे चिमनी लग गई, उसके बाद ये ड्रॉर लग गए, ये सारी चीजें बन गई। अब सारा खेल किस चीज का है, मटेरियल, ठीक है। अब मटेरियल लगाना है, चलो हम जल्दी से एक मटेरियल बना लेते हैं। मटेरियल बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ से भी ले सकता हूँ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल कैसे लूंगा मैं यहाँ से, अब नॉर्मली एडवाइस ये थी कि वो थे कि भी वीरे का मटेरियल यूज करना है सभी जगह, तो हम वीरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इजी चीजें बता रहा हूँ, यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल लो, और यहाँ पे आपने कर दिया ऑरेंज, नाम लिखा, ठीक है, नाम लिख के आपने कोई भी ऑरेंज कलर का यहाँ पे मटेरियल लिया, ठीक है, और मटेरियल लेके आपने यहाँ पे ओके कर दिया, एक ऑरेंज कलर का मटेरियल आपके यहाँ पे आ गया और आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। देखो ये मैं क्यों कर रहा हूं वो बताता हूं, ये आपने मटेरियल लिया अप्लाई किया, अब इसको मैं जब वीरे पे जाऊंगा ना, वीरे मटेरियल पे, तो ये ऑरेंज कलर का मटेरियल आपका वीरे वाली लिस्ट में दिखेगा। आपको जरूरी नहीं है कि वीरे पे जाके आपको वहां पे मटेरियल को लगाना है, ये वाला मटेरियल डायरेक्टली आपको वहां पे दिखने वाला है, पर ये ओपन हो जाए। अब यहां पे जाओगे तो आप यहां पे देखो ऑरेंज के नाम से आ गया, जितने भी आपने कंपोनेंट लिए थे वो सबके मटेरियल आ गए, जो यूज के नहीं है पर्च कर दो, ठीक है, वो पर्च हो गए। अब ये देखो ये ऑरेंज वाला मटेरियल आ गया, तो अब आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, जैसे यहां से बाहर से भी रिनेम कर सकते थे कि 0102, तो आपका वो लिस्ट में आता। अब जैसे ही यहाँ पे ऑरेंज आया, अब इसको आप यहाँ पे क्लिक करके इसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, प्रॉपर्टी चेंज करना है ना, प्रॉपर्टी चेंज करना है, यहाँ पे जाओ, इसकी जो भी आपको चाहिए ये आपका यहाँ से चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको कितनी रिफ्लेक्शन देखनी है, इसमें हल्की सी रिफ्लेक्शन है, तो मैं इसके अंदर हल्की सी रिफ्लेक्शन कर दूंगा, ग्लोसी है, हल्की सी ग्लोसी मैं कम कर देता हूँ,
फ्रेशनल करना ही नहीं है, ये रबर टाइप का मटेरियल बन गया। सर एकाद कपबोर्ड का जो ढक्कन है वो मतलब शटर है, इसको आप कांच में कन्वर्ट कीजिए। हाँ कोई बात नहीं, कांच में कर, क्योंकि सभी तो कंपोनेंट एक ही कंपोनेंट में सभी। चलो इसको हम वो बनाते हैं, क्रिएट न्यू मटेरियल। आपने यहाँ पे रखा 02 ग्लास, ठीक है, ग्लास का मटेरियल लिया, कोई भी आपने ग्लास का यहाँ पे कलर ले लिया, ओके, और आपने इस पे अप्लाई किया मटेरियल पे, यहाँ पे गए मटेरियल पे और ये आपका ग्लास आ गया, इसको आपने क्लिक किया, ग्लास के अंदर क्या होगा रिफ्रैक्शन, तो ये पूरा आपने रिफ्रैक्शन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ग्लास हो गया। आई यू आर कितना करना है, आई यू आर आपने अकॉर्डिंग आप कम कर सकते हो, आपने कर दिया 1.3 का मैंने आई यू आर दिया यहाँ पे। ये डिफ्यूज कलर ब्लैक करना है फिर? कुछ नहीं करना, ऊपर डिफ्यूज कलर ये तो आपने सिलेक्ट कर लिया, डिफ्यूज कोई बात नहीं, रेंडर भी निकाल के देखेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आपने ये कर दिया अभी के लिए, एक बनाता हूँ व्हाइट कलर का मटेरियल। अब यहाँ पे डायरेक्टली बनाना है तो यहाँ का भी आपको पता है कि क्रिएट मटेरियल, और यहाँ पे आप जाओ और जेनेरिक मटेरियल क्रिएट करो, राइट क्लिक करो, रीनेम करो 03 और WHIPE वाइट, वाइट मटेरियल पे गए तो आप यहाँ पे क्लिक करो और इसको आप नॉर्मल कलर वाइट दे सकते हो, इसको आप ऐड करो इसमें और क्लोज, और इसके अंदर रिफ्लेक्शन है कोई नहीं है, बस ये इफेक्ट दे दिया। और इसको आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पे मटेरियल पे जाओ, वाइट आपका सिलेक्ट है तो यहाँ पे भी ये वाइट वाला आ जाएगा, देखो अब आप डायरेक्टली इसकी हेल्प से लगा सकते हो मटीरियल कि वॉल पे आपको, मेरे को ऑफ वाइट चाहिए, जैसे ये आपने वॉल पे अप्लाई किया, ये वॉल के लिए है, बट इसके लिए आपका थोड़ा सा ये वाइट की जगह हल्का सा ये ऑफ वाइट है इस तरीके का, ठीक है। और स्लैब के लिए मैं एक अलग से मटेरियल लेता हूं, मटेरियल जेनरिक रीनेम 04 स्लैब का मटेरियल लिया, आपने यहाँ पे क्लिक करो और आप यहाँ से व्हाइट कर सकते हो, स्लैब प्योर व्हाइट है, ये सिलेक्ट किया और स्लैब पे कोई रिफ्लेक्शन वगैरह, ये अब यहाँ पे व्हाइट है, वरना आपके इसकी लगा सकते थे स्लैब स्टोन की, ठीक है, आपने ये मटेरियल लगा दिया। और ये बीच वाले पार्ट में मैं इस पर डबल क्लिक किया, ये बीच वाले पार्ट में आपका अलग मटेरियल लगाया और इवन यहाँ पे भी लगाया अलग मटेरियल बीच वाले पार्ट में, तो मैं इस वाली एज को सिलेक्ट करता हूँ, मूव करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इस तक है ना वो वाला पार्ट, हाँ। और मैं यहाँ से एक विंडो भी देना है यहाँ पे, एक और कंट्रोल प्रेस करके कॉपी करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया। और इस पे मैं कोई भी एक मटेरियल लगा देता हूँ, कोई भी टेक्सचर या टाइल्स लगा देता हूँ, तो इसके लिए मैं दोबारा से मटेरियल मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ से भी चूज कर सकता हूँ कि आप यहाँ पे, चलो यहीं से लेते हैं क्रिएट न्यू मटेरियल और यहाँ पे किया राइट क्लिक रीनेम 05 टाइल्स वॉल टाइल, वॉल टाइल पे क्लिक किया और यहां से मैं कोई भी वॉल टाइल ले लेता हूं, इमेज और इस जैसी मिलेगी कोई, वो किचन वॉल टाइल करके और किचन, हाँ है कुछ, ठीक है चलेगी, सेव इमेज डेस्कटॉप ओके। और अब मैं यहाँ पे जाके ये क्लिक किया बिटमैप डेस्कटॉप और ये वाली टाइल्स को मैं यूज करता हूँ, ओपन करने के बाद चलो ये मैं अप्लाई कर देता हूँ, ये मटेरियल लिया इस पे और इस पे, इसका साइज छोटा है तो मैं इसके एडिट पे जाऊं, हल्का सा साइज में इसको 2 फिट कराऊं कर दूं या फिर इसको 3 फिट कराऊं कर दूं या फिर इसको 4 फिट कराऊं कर दूं, ठीक है, क्लियर है। तो ये लग गया आपका और ये आपका हो गया। नीचे आप देखोगे यहाँ पे जो नीचे का है वो थोड़ा सा वो ऊपर वाला ही है, ठीक है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इस वाले पे मटीरियल पे जाके मैं कौन सा लूं, यहाँ पे भी मिलेगा आपको सिलेक्ट इन मॉडल, इन मॉडल में आपका कौन सा था ऑफ वाइट, वॉल के लिए कौन सा था वो रेडिश
सेकंड वाला, हाँ यही था, थ्री आपने क्लिक किया था नेक्स्ट, ये वाला था सर। हाँ ये आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो ये आपके यहाँ पे मटेरियल आ गए और इस तरीके से आपने मटेरियल, चलो अब इसका ही हल्का सा रेंडर करके देखते हैं कि ये रेंडर कैसा आता है। तो हम क्या लगाएंगे अब यहाँ पे, एक तो लगा देते हैं ऊपर की छत, ये मैंने यहाँ से छत बनाई, इसको हल्का सा 4 इंच का पुश पुल किया, ट्रिपल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, मेक ग्रुप, और इस वाले पार्ट को थोड़ा सा जब आपने सेटिंग करेंगे। अब एक और चीज है, एक तो हम इस तरीके से सेटिंग करते हैं अपने व्यू को देखने के लिए, ठीक है। एक और तरीका है, मान लो मैं इसको हल्का सा पुश पुल करता हूँ कि मेरे को थोड़ा सा बाहर की तरफ चाहिए, क्योंकि मेरे को इस पार्ट से कोई मतलब थोड़ी ना, मैं इसको इजिली कर सकता हूँ, इस पे क्लिक किया, पुश किया, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, अपना एक व्यू चाहिए बढ़िया, तो मैं इसको भी यहाँ से पुश कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली मेरे पास ये होता है एक आई का पोजीशन कैमरा, तो मैं यहाँ से पोजीशन कैमरा करूंगा, अरे यहाँ से पोजीशन कैमरा, इसको ये किया, मैं यहाँ से टॉप पे गया, नहीं यहाँ पे पर्सपेक्टिव पोजीशन कैमरा, यहाँ से मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो ये वाला मेरा पोजीशन कैमरा आ गया, ठीक है। अब कैमरा आ गया यहाँ पे, यहाँ पे आई हाइट, मैं इसको कर दूंगा पर्सपेक्टिव, व्यू पे जाओ, कैमरा पर्सपेक्टिव व्यू, ये आपका आ गया, और यहाँ पे आई हाइट कितने, आई लेवल कितना होता है, 5 फीट के अराउंड, 5 फीट 5 इंच, 5 फीट 5 इंच का मैं आई हाइट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा बेसिकली। हाँ ऐसे कर सकते हो, और उसके बाद अपने तरीके से आप अपने व्यू को मूव कर सकते हो, कि ये मेरा यहाँ पे व्यू आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, व्यू एनिमेशन एड सीन, आपका एक सीन यहाँ पे एड हो गया। तो दो चीजें मेरे को क्या करनी थी, एक तो क्या लगाऊं मैं यहाँ पे, विंडो एक बगल में, नहीं उसमें विंडो थी, हाँ विंडो है, वो लाइट यहाँ से आ रही है, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, विंडो बाद में लगाएंगे इसके ऊपर हम, अभी तो रेंडर करके बात खत्म कर दीजिए, रेंडर इसमें वो लगाता हूँ जो सर ने बोला था ना, कोब लाइट, हाँ कोब लाइट, मैं कोब लाइट का यहाँ पे प्रोविजन देता हूँ, कोब लाइट ट्रैक लाइट बोला था सर, ट्रैक लाइट भी लगा सकते हैं, कोब लाइट जैसी ये ट्रैक लाइट लगेगी ना यहाँ पे, तो वो ट्रैक लाइट कैसे लगती है, डायरेक्टली तो दिखती नहीं, वो दीवार की तरफ प्रोजेक्शन होती है, खांचा बनाना पड़ता है अंदर, ठीक है। और खांचा बनाने के लिए मैं क्या करूँ, पहले मेरे को खांचा बनाना पड़ेगा, खांचा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके मैं अभी के लिए हाइड करता हूँ, इसको भी अभी के लिए हाइड करता हूँ, इसको भी अभी के लिए हाइड करता हूँ, सामने जाऊंगा नीचे खांचा बनाने के लिए, यहाँ पे एक खांचा चाहिए, तो खांचा कैसा बनाऊंगा इसको दिखाने के लिए बेसिकली, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं मान लो इतनी 2 इंच पे मैंने ये बनाया, और मैं क्या बनाऊ यहाँ पे, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्रिएट कर दूंगा, दीवार की तरफ प्रोजेक्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पे हल्का सा, कई सारे प्रोविजन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, मान लो मैं हल्का सा ये बना रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कर दूं नीचे की तरफ पुश पुल, यस ठीक है, ये हो सकता है आपका, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का यहाँ पे खांचा बनाते हो। ये मैंने यहाँ से लिया और ये मैंने यहाँ पे हल्का सा ये लिया, इसको आपने हल्का सा पुश पुल किया। अब इसके दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर लाइट लगा दो, या फिर क्या करो, इस वाले पार्ट पे और इस वाले पार्ट पे क्या लगा दो, इमेसिव मटेरियल लगा दो, मटेरियल इमेसिव, राइट क्लिक करो, रीनेम इमेसिव 06, और इस इमेसिव मटेरियल को मान लो व्हाइट करना है या हल्का सा ऑफ व्हाइट पे आपको रखना है, वो डालो, और इसको आप इंटेंसिटी बढ़ाओ, 10 है 20 30 कर दो मान लो इंटेंसिटी, वो बाद में देखेंगे, और इसको आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करो, और ये कौन सा मटेरियल आया, मैसिव है ना, ये आपने लगा दिया, ये आपने लगा दिया, ऐसे ही यहाँ पे ये लगा दिया, ये लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, कमांड से बाहर आता हूँ, और बाहर आने के बाद अब ये ज्यादा दिख रहा है तो आप इसे छोटा, थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, डबल क्लिक, पुश पुल हल्का सा ऊपर की तरफ, और इसको भी बिल्कुल इसी जितना। ये करने के बाद मैं व्यू एडिट अनहाइड अनहाइड ऑल कर दिया, मैं सीन पे चला गया, सिर्फ मैंने एक लाइट लगाई है। अब इसी एक लाइट से हम अपना रेंडर देखते हैं, रेंडर इंटरैक्टिव ऑन करते हैं। अब देखो सनलाइट दिख रही है, तो मैं यहाँ पे इसको मटेरियल पे जाऊंगा और अपना सनलाइट को यहाँ पे ऑफ कर दूंगा, तो ये सिर्फ मेरा लाइट का है, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो इमेसिव पे जाऊंगा, मैं इसको अभी के लिए 10 कर दूंगा, और ज्यादा लग रही है 5 कर दो, और ज्यादा लग रही है अभी के लिए 1 कर दो, जितना आपको चाहिए उतना आप लाइट का, सिंपल एक इमेसिव लाइट की हेल्प से कितना आपको रेंडर आया, ठीक है। अगर मैं हल्का सा यहाँ पे
वो लगा दूं रेक्टेंगुलर लाइट। हम यहाँ पे लाइट पे क्लिक किया और पानी लाइट ऊपर में मेरे लाइट्स में ऊपर ये वाली ना रेक्टेंगुलर लाइट लगाई और मैंने यहाँ पे एक लाइट लगा दी उधर की तरफ। फेस करते हैं अब इसको मैं सिलेक्ट करके मिरर कर देता हूँ। ये मैंने मिरर किया इस फेस की तरफ करो स्केल कर देता हूँ -1 -1 ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ आगे की तरफ। नहीं ये चलो इतना भी सही है। और इसकी प्रॉपर्टी में जाके रेक्टेंगुलर लाइट की मैं इसको क्या कर देता हूँ इनविजिबल और लाइट इंटेंसिटी चलो इतनी ठीक है। और अब मैं इस सीन पे जाके अब इसका रेंडर करके देखता हूँ इस सीन के अकॉर्डिंग मेरा रेंडर कैसा आ रहा है इंटरेक्टिव रेंडर। अब देखो बड़ा है आपका। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे गया जो आपकी रेक्टेंगुलर लाइट थी उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और इमिसिव का अब थोड़ा कम लग रहा है अब इमिसिव को मैं 5 कर सकता हूँ। क्लियर है। उसके बाद फ्लोरिंग यहाँ पे जाओ कैसी फ्लोरिंग करनी है एक फ्लोरिंग भी लगा देते हैं। इसको मैं यहां से स्टॉप करता हूँ स्टॉप किया डबल क्लिक ये सिलेक्ट किया। अच्छा फ्लोरिंग में सर अगर हमें एज चाहिए होगा टाइल्स का तो वो कैसे करेंगे क्या चाहिए होगा फिर वो टाइल्स का जो कट होता है ना सारे टाइल्स का हाँ वो एक्चुअली फिर ऐसे लगा देने से मटेरियल सारा एक जैसा दिखता है तो टाइल्स का कैसे कर सकते हैं टाइल्स के अंदर जॉइंट दिखाना है जॉइंट्स हाँ तो वो आप ऐसे बनाओगे ना फिर आपको फोटोशॉप आना चाहिए आप वो एक कटिंग लोगे और उसकी एजेस को एम्बोस करोगे वो फोटोशॉप में होगा वो फोटोशॉप में एम्बोस करके फिर आप यहाँ पे लेके आओगे फिर वो अलग से वो कट दिखेंगे आपको। एम्बोस करेंगे या सर इसकी एज बीवेल करेंगे थोड़ी सी एम्बोस करेंगे बीवेल नहीं कर सकते बीवेल एम्बोस एक ही चीज है उसके अंदर जब फोटोशॉप में जाओगे ना बेवल एंड एम्बोस का एक ऑप्शन है आप वो करोगे वो भी बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम पहले एक जो टाइल्स बनानी पड़ेगी टिपिकल बिल्कुल बिल्कुल ये लगाए मान लो ये वाली फ्लोरिंग लेता हूँ अप्लाई टू सिलेक्शन और इसको मैं क्या करूं फिर मटेरियल पे जाके एडिट ये सिलेक्ट किया एडिट 5 फिट या फिर 6 फिट ये मेरा आ गया सीन पे अगर मैं जाता हूँ अब अगर मैं इसको इंटरेक्टिव रेंडर करता हूँ तो ये मेरी फ्लोरिंग भी आ जाएगी। जैसे जैसे चीजें आप लगाते चले जाओगे आपकी रेंडर क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी समझ लो ओके ठीक है। अब इस पे क्या क्या चीजें लगेगी अभी आपकी स्पोक लाइट लगेगी ठीक है उससे रोशनी और बढ़ जाएगी। उसके बाद आप ऊपर क्या नाम है इसमें अगर मैं इसकी बात करूं आपकी इमेज की ऊपर आप ये वॉल रूफ नहीं दिख रही है तो थोड़ा पीछे करके रूफ दिखाओगे और जब इस टाइप का कंपोनेंट वगैरह लगाओगे और बाहर से लाइट आएगी तो आप क्या कर सकते हो बाहर से अगर सनलाइट आपको दिखानी है तो क्या करोगे आप यहां से इसको क्लोज कर दोगे और वहां पे विंडो लगा के फिर उसकी सनलाइट को अंदर लेके आओगे शैडो को यहां से शैडो करके तो वो उस टाइप का इफेक्ट आएगा। सर सर अभी सर ये जो आपने एक लाइट का पिक्चर का तो एक सिंबल दिखा ना वो ट्रायंगल जैसा हाँ इसको हाइड करने के लिए आपने कुछ बताया था लेकिन मैं भूल गया क्या ये दो बार बताया मैंने आपको अब तीसरी बार बताया इसके आगे का काम करोगे आगे का काम में क्या क्या करना है ये जो आपका चिमनी लगी है इसका मटेरियल चेंज करना है मेटल का करना है ये जितने भी कंपोनेंट रखे हैं एक एक कंपोनेंट वहां पे प्लेस करने हैं इससे क्या होगा आपकी इमेज के अंदर आपके रेंडर के अंदर एक डेप्थ आएगी बेसिकली ठीक है। उस और इस टाइप की टाइल्स लगाओ और जितना बेस्ट हो सके आप उतना उस चीज को बेस्ट बनाओ ये वाली फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे ठीक है इससे आगे का काम आप इसके ऊपर करना फिर क्लियर है यस चलो फिर ओके। और सर ये नेक्स्ट क्लास में सर वो सर्फेस का बंप और ये टाइल्स वाला आप क्लियर हाँ वो मैं आपको बताता हूँ ठीक है ओके ओके चलो फिर बाय बाय ओके सर बाय।